और मैं भी पहुंच गया हूं एक्टिविटीज करने के लिए। ये पूरा व्यू, सामने का व्यू गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और हमारा आज दूसरा दिन है बैंकॉक में और मैं सीधा पहुंच गया हूं पताया। आप देख सकते हो सामने ये पताया सिटी का व्यू। और आज हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड, बहुत सारी एडवेंचर करनी है हमें वहाँ। तो एक बार पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत मज़ा आया रहा है, आपको इन्जॉय किए बैंकॉक में। देखा जो सामने का व्यू, लोगों का ड्रीम होता है कंट्री आके इंडिया से बाहर विजिट करना, तो हमने भी आज विजिट करा है, ये मौका हमें भी मिला है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये आप सामने बीच का व्यू देखो गाइस, ये पूरा क्राउड है जो पूरे बीच पे जा रहा है। और यहाँ पे आपको चप्पल चश्मे सब कुछ मिलेंगे। गाइस पूरी टीम रेडी है, आज हम लोग का एडवेंचर का प्लान है और निकल गए हैं हम लोग पताया सिटी में। देखा तो पूरी टीम पीछे मेरी वेट कर रही है। और सामने का व्यू गाइस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पताया सिटी। और अभी हमारा प्लान है कि आगे वाले बीच से, जो बीच जो सामने, वहाँ से हम जाएंगे सीप से कोरल आइलैंड, वहाँ पर फिर एडवेंचर करना है। तो मैं आप ये व्यू चेकआउट करूँ आप। अभी हम लोग इसी सीप से जाएंगे कोरल आइलैंड, ये पूरा व्यू है। सो गाइज अब टाइम आ गया है, हम बोट पे लोड होंगे, आफ्टर दैट जाएंगे कोरल आइलैंड। पूरा व्यू देखो टॉवल से सामने, चीप कॉस्ट में आपको ये सारे सिप से लेके जाएंगी। अब देख सकते हो पूरी टीम रेडी है मेरी और हम निकल रहे हैं कोरल आइलैंड के लिए। पूरा व्यू देखो, बोट से हम पहुँच गए हैं आइलैंड, ये व्यू चेकआउट करो आप। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप देख सकते हो सामने कुछ कुछ पैकेज वगैरह बता रहे हैं ये। तो मैं भी देखता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। और ये कोरल आइलैंड का व्यू है गाइस, बहुत सारी पब्लिक आए हुए हैं कुछ कुछ करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कोरल आइलैंड में और मैं भी पहुँच गया हूँ एक्टिविटीज़ करने के लिए। ये पूरा व्यू अभी ये So guys, अभी ने मैंने पैराग्लाइडिंग कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं दूसरे एडवेंचर की ओर जा रहा हूँ जो है वॉक अंडर सी, वो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब मैं निकल रहा हूँ नेक्स्ट एडवेंचर के लिए जो कि अंडर वाटर सी है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ गाइस, एक एडवेंचर मैंने पूरा कर लिया है, दूसरे के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हो पूरी टीम रेडी है यहाँ पे और अभी जा रहे हैं नेक्स्ट एडवेंचर के लिए जो कि अंडर वाटर सी है। यहाँ पे आप ये बोट देखो, ये चेकआउट करो आप। अभी हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, ये सामने। मैं पहुँच चुका हूँ सेकंड एडवेंचर के लिए, वो सामने, वहाँ से हम अंडर सी करने वाले हैं। ये आप व्यू चेकआउट करो बाहर की, यहाँ पे अभी अंडर सी में वॉक करना है तो काफ़ी मज़ा आएगा। और आज हमारा दूसरा दिन है बैंकॉक में, आप देख सकते हो व्यू चेकआउट कोरल आइलैंड का कराने। एक्चुअली यहाँ पे अगर पूरा पैकेज लेते हो तो थोड़ा चीप पड़ता है, 2000 baht में आपको पूरी पैकेज देगी, इसमें पारा सेलिंग, अंडर वाटर वॉक, बनाना राइड, जेट स्की। तो मैंने भी सारा पैकेज लिया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए आ गया हूँ गाइस। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना मज़ा आने वाला है। सो मछली हमारे सामने से निकल रही है। क्या भाई, मछली वाला एक्सपीरियंस बता दो। अरे ऐसा था, मस्ती भाई, वीडियो आएगा तब पता चलेगा। हाँ वीडियो आएगा शाम को, होटल में ही वो लोग वीडियो डिलीवर कर देंगे, क्यूआर कोड देगा ना होटल में। हमारा प्लान है, अब हम जा रहे हैं आइलैंड, वहाँ पे कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं यार, क्योंकि बहुत देर से बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर रहे थे।
तो अभी बूम बूम बूम, आप मेरे ब्लॉग पे बने रहो और बहुत मजा आने वाला है। सो बी विद अस, और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अब जो ब्लॉग आने वाला है वो बैंकॉक का आने वाला है, तो काफ़ी एक्साइटेड है। इस ब्लॉग को एडिट करते हुए मैं भी एक्साइटेड होगा, बाकी इस ब्लॉग को देखते हुए आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। सो बी विद अस। पहुँच गया हूँ आइलैंड पे, आप देख सकते हो कितनी पब्लिक क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये सामने आपको ये बनाना राइड है, जेट स्की है, और आप देख सकते हो पूरी पब्लिक का पूरी बोट पे टीम बैठी हुई है। जो ये सामने आइलैंड का व्यू काफ़ी खूबसूरत है गाइस, बैंकॉक को पहुँच चुके हैं आइलैंड पे। आप देख सकते हो पीछे की पूरी व्यू, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। और मेरे साथ विशाल है मेरा फ्रेंड, कैसा मजा आ रहा है दोस्त? एकदम बढ़िया भाई, अहमदाबाद से है, ड्राई स्टेट से है, लेकिन बैंकॉक आके बूम बूम कर रहे हैं। बहुत मजा आया ना? यस बहुत मजा आया, तगड़ा बूम बूम नहीं किया अभी तक, अभी तक नहीं किया। अच्छा कोई नहीं, बैंकॉक आया तो बूम बूम होगा ही। बाकी अभी हम लोग इस आइलैंड पे आए हैं और यहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, थोड़ा खाना वाना खाना है। अभी हम दोनों भाई ने साथ में ही अंडर वाटर वॉक किया। क्या मछली था भाई, बहुत बढ़िया, तगड़ा ना? बहुत बढ़िया, तगड़ा मजा आया, एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ, बैंकॉक का तो ये एक्सपीरियंस जरूर करो, क्योंकि बार बार बैंकॉक आना नहीं होता किसी का। सही बात, और जब भी आते हो आप तो इन्जॉय करो थोड़ा। बैंकॉक का बीच व्यू जहाँ पे आज हम लोग बहुत मस्ती किए हैं, यहाँ पे प्रवीण भाई भी है सामने। प्रवीण कैसा मजा आ रहा है बीच पे आके? एक नंबर लग रहा है भाई, तगड़ा, बहुत बहुत, बहुत बैंकॉक मतलब आना चाहिए ना? वर्थ है भाई, वर्थ है ना? वर्थ है, एकदम वर्थ। बस बस हमारा खत्म हो गया, पूरी एक्टिविटीज हमने कर ली है। और आप ये देख सकते हो सामने पानी कितना ठंडा है, और ये जो सामने बोट है इस बोट से अभी हम जाएंगे पटाया अगेन। यार भाई साहब बहुत बहुत मतलब बैंकॉक आना मतलब फील है, यहाँ के फील मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। आप देख सकते हो मेरी पूरी टीम इस पे बैठी हुई है, इस बोट पे, और इस बोट से आज हम लोग जा रहे हैं अभी पूरा माहौल के साथ बताया सिटी। बोट पे रेडी हो गया हूँ और पूरी टीम जा रही है हम लोग इधर, आप देख सकते हो सामने पूरा टीम है मेरा, जो हम आज बीच व्यू का फील लिए हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पटाया सिटी, आप देख सकते हो सामने पूरी समुंदर है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पे। गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम निकल रहे हैं अपने होटल से एक पब की ओर। एक्चुअली ऑफिस के साइड से बुकिंग है हमारी, कैफे बुक है, वहाँ पे पूरा पार्टी ऑल नाइट चलेगा। तो बैंकॉक में सारे लोग आते हैं तो पार्टी ही करते हैं मैक्सिमम। तो गाइस यहाँ पहुँच चुके हैं स्काई वेब पार्टी वेन्यू, ये आप जो चेकआउट करो गाइस, यहीं पे आप, ये हमारा पार्टी है। तो गाइस फाइनली पार्टी ओवर और हम डिनर टेबल पे बैठे हैं, आप देख सकते हो सामने डिनर, पूरी इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पूरा डिनर का कॉन्सेप्ट चलता है। प्राइवेट पार्टी ख़त्म होने के बाद यहाँ पर डिनर का प्लान हुआ, और डिनर में मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है। ये आपका चिकन है, ये आपका रायता है, सैलेड है, राइस है, तंदूरी रोटी है, हलवा है, और काफ़ी चीज़ें हैं। एक्चुअली ये इंडियन रेस्टोरेंट है और पूरा कॉन्सेप्ट इंडियन फूड पे चलता है। तो आफ्टर पार्टी हमने डिनर का भी प्लान किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली टाइम शेड्यूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफे जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं वो पूरा शेड्यूल करते हैं, आफ्टर दैट फिर डिनर का प्लान होता है। तो डिनर का फाइनली डिनर एंड पार्टी कम्प्लीट, और गाड़ी रेडी है सीधा होटल के लिए, और हम होटल जाएंगे रेस्ट करेंगे। सो मैं कल मिलता हूँ बैंकॉक, कल निकलना है यहाँ से, तब तक ले गुड नाइट। और सो गाइस ये पता है मैं आज दूसरा दिन था, और दूसरा दिन भी ओवर हो चुका है, धीरे धीरे हमारा जर्नी ओवर हो रहा है, और मैं पहुँच चुका हूँ अपने होटल पे। आप देख सकते हो सामने पूरी टीम आ रही है और सब लोग
काफी इंजॉय किए दो दिन और मैं पहुंच चुका अपने होटल में, होटल प्लाजो। अब देखो सामने वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर, यू कैन सी इन माय ब्लॉग। कैसा लगा ब्रो, हाउ यू फील? या इट्स सो गुड, सो गुड ना, इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। बैंकॉक टू गुड, ऑसम।